खिलाफ हो जाए। हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो। क्या कहा एक्ट्रेस श्रुति हसन ने प्रभास और डायरेक्टर प्रशांत नील के बारे में? फिल्म सालार में किस अंदाज में नजर आने वाली है श्रुति हसन? श्रुति इस फिल्म में आद्या नाम का कैरेक्टर निभाने वाली हैं और अब मेकर्स और श्रुति ने अनाउंस कर दिया है कि श्रुति ने अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। इसके साथ साथ श्रुति ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें श्रुति डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ नजर आ रही है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी दिख रही है। दोस्तों, श्रुति हसन ने प्रशांत नील को बहुत बड़ा थैंक यू कहा है और अपने फेवरेट को-स्टार प्रभास को डार्लिंग स्टार कहा है। वैसे इस तस्वीर में श्रुति हसन काफी सिंपल यानी साधारण अंदाज में नजर आ रही हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में भी उनका कैरेक्टर काफी सिंपल हो सकता है। दोस्तों, अगर श्रुति हसन के लास्ट प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो फिल्म वीरा सिम्मा रेड्डी और वॉल्टेयर विरैया में नजर आई थी और दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने में बहुत कामयाब रही। अगर सालार फिल्म की कहानी की बात करें तो इसमें हमें एक जबरदस्त गैंग वॉर नजर आने वाला है और जहां तक हमारे डार्लिंग प्रभास की बात है तो उनका फर्स्ट लुक वायरल हुआ था और एक पोस्टर भी शेयर किया गया था। उससे तो यही लग रहा है कि प्रभास शायद एक गैंग लीडर के अवतार में नजर आए। वैसे प्रभास की हर फिल्म काफी जबरदस्त होती है और उनका क्रेजी पन फैंस को बहुत पसंद आता है, जिसका वो बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो प्रभास की इस फिल्म को हम 28 सितंबर 2023 को थिएटर में देख सकते हैं। आप बताइए कि आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और फिलहाल के लिए मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।